दोस्तों राम सेतु का ट्रेलर मुश्किल से 24 घंटे के अंदर आने वाला है। हम सभी को डेट पता चल चुकी है, 11 तारीख, हम सभी को टाइम भी पता चल चुका है। और अशोक सर, आपसे यहाँ चाहेंगे, इस फिल्म के ट्रेलर का आपने रिव्यू किया था, पोस्टर का रिव्यू किया था सिनेपोलिस में, कितने एक्साइटेड है ट्रेलर आने वाला है 12 बजे दोपहर को? ट्रेलर आने वाला है, एक्साइटेडमेंट तो हर एक व्यक्ति को, हर एक चीज, जब नया चीज़ कोई आता है तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो हम भी जो है, कोई बॉर्डर पे तो लड़ने जाने का है नहीं हमको, हमको इधर ही है, जैसा आया ट्रेलर वैसा देख के हम रिव्यू डालेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अक्षय कुमार की ये लगातार चौथी या पांचवी फिल्म है, पांचवी फिल्म है, सबकी आशा उसी पर गड़ी हुई है कि कब वो 300 करोड़ का आंकड़ा पार होगा। तो कल ट्रेलर देखेंगे, जैसा होगा वैसा हम लोग उसका रिव्यू करेंगे। अच्छी बात है, और कितना खुशी की बात होगी घर के साथ। हाँ, दिवाली भी आ रही है और बड़े बड़े सब एक्टर हो गए आज की तारीख में, 50 करोड़ तो लेते नहीं हैं, 150-200 करोड़ लेते हैं। अब मूवी देखते हैं कितनी कमाती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं अशोक सर को भी ट्रेलर पसंद आए और इनका भी हम ट्रेलर लेंगे जल्दी। ट्रेलर जो है ना देखने को जाए टीजर के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेलर नंबर वन होगा। ये नहीं बोल रहा हूँ ट्रेलर खराब होगा, अच्छा होगा। अक्षय कुमार भी अक्षय हैं, एकदम अक्षय नाम तो उनका अच्छा है, अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार अच्छे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इनकी मूवी एकदम ब्लॉकबस्टर हो के, अरे बॉलीवुड में झंडे गाड़े, और मैं इनके फैन लोग जो केक भी काट के खाते हैं उनको भी खुशी हो, और वो जो है केक को काट के जो नाचते गाते हैं उनको थोड़ा एहसास हो कि आज जो है हमारा पूरा मेहनत फल मिल, मुझे लगता है वो इस बार होगा, हम भी केक खाएंगे। हाँ। नहीं, पहली बात है कि जब तक 300 करोड़ होगा नहीं, मैं केक नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, चलिए। बहुत शुक्रिया।